फरीदकोट में समाजसेवी संस्था सेवा भारती ने ट्रैफिक विभाग के सहयोग से शहर की दाना मंडी में एसपी हेडक्वार्टर और ट्रैफिक इंचार्ज के नेतृत्व में सड़क हादसों को रोकने के लिए वाहनों के पीछे रिफ्लेक्टर लगाए, जिससे पीछे आने वाले वाहनों का पता चल सके। इसके अलावा फरीदकोट के एसपी बहादुर सिंह और ट्रैफिक इंचार्ज सुखजिंदर सिंह की तरफ से लोगों को ट्रैफिक के नियमों की पालना करने संबंधित जागरूक भी किया गया। सेवा भारती फरीदकोट वालों पिछले दिन जो धुंद एक्सीडेंट हो रहे हैं उस मद्देनजर देखते हुए सेवा भारती वालों रिफ्लैक्टर लगाने की मुहिम शुरू की गई है, जिस विच साढ़े बेदी साहब जो ट्रैफिक पुलिस इंचार्ज ने SPH साहब सरदार बहादुर सिंह जी आके हर ट्राली से हर गड्डिया से आके उन्होंने रिफ्लैक्टर लगाए ने ता जो आने वाले समय में कोई भी एक्सीडेंट ना हो। सेवा भारती संस्था ने अज ट्रालिया के पिछे रिफ्लैक्टर स्टीकरस लगाए तो वो एडवरटाइज कर रहे हैं भी जी फ्यूचर के जी धुंध पैनी हैगी है उन्होंने मद्देनज़र जोड़े है एक्सीडेंट्स बहुत होंगे है उस करके जगह जगह जाके इन्होंने जोड़े है स्टीकरस लाने है और एक जी है लड़ी टाइप की आई हैगी है जिदी जी है प्राइस बड़ी घट आ पर सेफ्टी लिए बहुत वधिया वो जी थी पिछे बैटरी ना अटैच हो जाती हैगी 5 मीटर लेंथ हैगी है जिदा अपन हैडलाइट्स या दूसरिया लाइट जागदियां अटैच कर देंगे जागती तो पिछे पता लगता है तो वो बारे भी इन्हों दसिया है भी सारे दसया जाए भी पिछे जिन्हें ट्राले वाले है ट्रालिया वाले है या ऑटो वाले है वो सारे लाऊँ ता कि डिस्टेंस का पता लग सके भी कई बार कोई चीज़ खराब ट्रक खड़ा होंदा हैगा उहदा बिल्कुल लागे आउण ते पता लगता हैगा ते नाल दी नाल साडे ट्रैफिक जिहड़ी फरीदकोट आ इह जगह जगह अपनियां मीटिंगां भी कर रहे हैगे आ यूनियन से जाके भी जे किते कोई ट्रक ट्रुक खराब होंदा हैगा उत्थे पूरी लाइट दा इंतजाम होवे तां कि खड़ी ट्रक दे विच कोई व्हीकल ना वज्जे। धर्म नगरी हरिद्वार में हर की पौड़ी गंगा तट पर प्रदेश भर के पंचायत प्रतिनिधि जुटे। हर की पौड़ी पर आयोजित पंचायत महाकुंभ कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि पंचायती राज मंत्री अरविंद पांडे ने शिरकत की। कार्यक्रम के दौरान दिखी अव्यवस्था में मौजूद जनप्रतिनिधियों ने जमकर हंगामा किया। जनप्रतिनिधियों के विरोध के चलते मंच पर पहुंचे अरविंद पांडे ने जमकर नसीहत दी। पूरे देश को स्वच्छ करना, मैंने अपने भाषण में भी कहा कि एक नहीं हजारों मोदी पैदा हो जाए, हजारों गांधी जी पैदा हो जाए, हजारों अरविंद पांडे पैदा हो जाए तो देश साफ नहीं होगा जब तक आम व्यक्ति अपने स्वभाव में अपने विचार में स्वच्छता अभियान को नहीं जोड़ेगा, ये उद्देश्य। और दूसरा, आज यहाँ बैठ के स्वच्छता एक अपने आप में संकल्प है, इसी नाते गंगे माता को लोग अपना आराध्य मानते हैं, अपना देवी मानते हैं, देवता मानते हैं, पूजनीय मानते हैं, इसी नाते गंगा माता के गोद में इतनी बड़ी शपथ दिलाई गई है, इसका कुछ न कुछ तो असर निकलेगा और हमारे उत्तराखंड को स्वच्छ होने में मदद मिलेगा। दूसरी बात, जो पंचायत प्रतिनिधियों की समस्याएं हैं मैं उनको ढंग से जानता हूं, बहुत समस्याएं हैं, छोटे छोटे सभापति हैं गांव में, उनको सब दिक्कतें आती हैं। तो देश की स्वच्छता के साथ साथ मैं सभापतियों की समस्याओं को भी सुन के और मैं समझ के, कोई आवश्यक नहीं कि मैं पंचायत मंत्री हूँ तो मुझे सब कुछ आता है, छोटे छोटे सभापति जिनका कष्ट है वो मेरे सामने अपने कष्टों को बताएंगे तो मैं उसको पंचायत से जोड़ के उसका समाधान करने का प्रयास करूंगा। हरियाणा के स्वास्थ्य एवं खेल मंत्री अनिल विज ने कहा कि फिल्म पद्मावती को रिलीज नहीं किया जाना चाहिए, इसके कारण हरियाणा में कानून व्यवस्था की स्थिति खराब हो सकती है। हमारे मंत्री विपुल गोयल जी ने केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री जी को लिख दिया हुआ है कि इसको रिलीज ना किया जाए, तो वो एक मंत्री लिखता तो वो सरकार की ही राय होती। कानून व्यवस्था को मानते खतरा हो सकता है अगर रिलीज होती है तो? नहीं, बिल्कुल है, इसको सारा जो हिंदुस्तान है वो इसको ठीक नहीं मान रहा और इसका विरोध कर रहा है, तो इसलिए इसको रिलीज नहीं करना चाहिए। इसके अलावा और मुद्दों पर बात करते हुए उन्होंने कहा कि पराली कुछ ही महीने की समस्या है जबकि दिल्ली में प्रदूषण पूरे साल ही रहता है। विज के अनुसार अगर ये समस्या हरियाणा या पंजाब पैदा करता तो चंडीगढ़ में भी स्मॉग होनी चाहिए थी। पराली को इन्होंने मुद्दा बनाया है, पराली केवल एक महीना जलती है, बाकी 11 महीने दिल्ली के प्रदूषण का क्या हाल है, उसके बारे में क्यों नहीं सोचते केजरीवाल, उसके लिए क्या उपाय करते हैं? और फिर ये भी क्या कारण है कि सारी हवाएं दिल्ली की तरफ ही चलती हैं? अगर पराली ही एक मुख्य कारण होता तो आज चंडीगढ़ सबसे ज़्यादा प्रदूषित नगर होना चाहिए था, जो हरियाणा और पंजाब के बीच में है, जो पैडी ग्रोइंग स्टेट्स हैं, परंतु ऐसा नहीं है। पराली भी एक कारण है, उसको चेक करने के लिए हम कोशिश भी कर रहे हैं, हमने केसेस भी दर्ज किए हैं, हम किसानों को एजुकेट भी कर रहे हैं, हम उनको नया इक्विपमेंट इसकी
पराली की बंदोबस्त के लिए लेने के लिए हम सब्सिडी भी दे रहे हैं, हम प्रयास कर रहे हैं और हम इसके लिए करते रहेंगे, क्योंकि पर्यावरण को सुधारना हर आदमी का जरूरी है। परंतु दिल्ली के केजरीवाल के इस प्रस्ताव से मैं सहमत तो नहीं हूँ कि ये केवल हरियाणा या पंजाब की पराली जलाने से होता है, और ये तो दो मुँह साफ है। दिल्ली में तो कहते हैं कि पराली जलाने से होता है, और पंजाब में आप पार्टी के लोग खड़े होकर पराली जलाते हैं, फ़ोटोएँ खिंचवाते हैं, टीवी पर देते हैं। तो दिल्ली में इनकी अलग राय है, पंजाब में अलग राय है, हरियाणा में अलग राय है। तो केजरीवाल को दिल्ली का कारण दिल्ली में ढूंढना चाहिए।